1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने की बात की तब उन्होंने ये नया आदेश जारी किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उन्हें हत्या जैसे शब्द पसंद हैं। आज एक अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है। देखिए ये तो ये जब कांग्रेस ने संविधान बचाने की बात कही और संविधान लेके शपथ किए तब जाके इनको समझ आ रहा है, और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम तो ये लोग किए हैं। यदि वो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ की बात करते हैं, संविधान हत्या, ये हत्या हत्या वाली जो शब्द है ये इन लोगों को हमेशा पसंद आता है। भाई संविधान के हिसाब से चलते आज अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है, मीडिया में भी ताला लगा हुआ है, जो राजनेता खिलाफ में बोले उसको जेल में डाला जा रहा है, तो जो उद्योगपति यदि या व्यापारी कुछ बोले तो उनके खिलाफ, पत्रकार हो तो उसके खिलाफ, तो आज बोलने की आजादी नहीं है जो घोषित ये इमरजेंसी लगी हुई है।